हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग बीएड का जो थर्ड पेपर है, यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग, जिसे क्या बोलते हैं, शिक्षण एवं अधिगम, यानी कि इक्तिसाब और तदरीस वाला जो पेपर है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा करके मैंने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हैं। सेकेंड यूनिट में टाइप्स ऑफ लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, सारी चीजों को डिस्कस करा के मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो है आपका इनसाइट लर्निंग थ्योरी, है ना। इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सीखने के सूझ का सिद्धांत। और एक बात आपको याद रखना है इसमें, कि कभी भी अगर यह चीज पूछा जाए आपसे कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, तो इनसाइट लर्निंग थ्योरी को गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोलते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी भी बोलते हैं, यानी कि इसका दोनों नाम है, गेस्टाल्ट थ्योरी और इनसाइट थ्योरी, दोनों नामों से जाना जाता है। बस आपका 5 से 7 मिनट कीमती टाइम लगेगा, बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, इस बात का प्रॉमिस है। बस आप इसको समझते रहिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। दो नामों से जाना जाता है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई है, किस तरीके से क्या-क्या चीजें इसमें डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अभी आप समझिए, यहां पर जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है, इसमें जो साइकोलॉजिस्ट थे उनको क्या बोला जाता है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। इसमें कौन-कौन थे, इसमें 3 साइकोलॉजिस्ट इंक्लूड है। एक है कोहलर, जिनका जो जन्म हुआ था 1925 में, दूसरा है गोफा 1924 में, और एक नाम है वर्थहाइमर। एक नाम क्या है, वर्थहाइमर। ये तीनों जो साइकोलॉजिस्ट थे उनको क्या बोला जाता है, इनको गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। ये चीज पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट किसे बोला जाता है, तो ये तीनों नाम आएगा। अब दूसरी बात समझिए इसमें, कि इसका जो क्या कहते हैं, इसका जो रिसर्च हुआ था, इस थ्योरी को जब दिया गया था, ये कब से कब तक रिसर्च किया गया था, ये 1913 से लेकर के 1918 तक इसमें रिसर्च किया गया था, और कैनरी द्वीप की जगह पर किया गया था। कैनरी द्वीप की जगह पर एक रिसर्च सेंटर बनाया और वहां पर 1913-1918 के बीच में ये रिसर्च किया। इतना समझ में आया। अब ये समझो कि इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है गेस्टाल्ट थ्योरी की, इसका मतलब भी समझो। देखो, ये जो गेस्टाल्ट है, ये जो गेस्टाल्ट वर्ड है, इस गेस्टाल्ट वर्ड जो है, ये जर्मन का वर्ड है, और ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट है यहां पर, ये सारे साइकोलॉजिस्ट कहां से बिलोंग करते हैं, जर्मन से बिलोंग करते हैं। गेस्टाल्ट थ्योरी कहां से जर्मन बिलोंग करती है, जर्मन से। गेस्टाल्ट थ्योरी के साइकोलॉजिस्ट है वो कहां से बिलोंग करते हैं, जर्मन से। और ये जो गेस्टाल्ट वर्ड है, ये भी कहां से उत्पत्ति होती है, जर्मन से ही उत्पत्ति होती है। जिसका मतलब होता है एन ऑर्गेनाइज्ड हॉल, यानी कि किसी भी समस्या को समझने के लिए उसके पूरी तरीके से, उसकी पूरी परिस्थिति को समझ करके सीखना। उसको अच्छे से मैं समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। और इसमें दूसरा वर्ड आया है, एक होता है इनसाइट, जिसको कि अब क्या बोलते हैं, अंतर्दृष्टि बोलते हैं। इसकी उत्पत्ति समझ में आ गई, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब यह समझिए कि इसका मतलब क्या होता है, ये जो गेस्टाल्ट थ्योरी होती है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया को अपने सूझ से और अपनी अंतर्दृष्टि से करके सीखता है। ये मानते हैं, ये जो गेस्टाल्ट थ्योरी है, साइकोलॉजिस्ट है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इंसान समस्या का समाधान करना किसके थ्रू से सीखता है, अपनी सूझ के थ्रू से सीखता है, अपनी अंतर्दृष्टि के थ्रू से सीखता है, और अपनी जो है इनसाइट के थ्रू से सीखता है, यानी कि अपना बुद्धिक क्षमताओं के थ्रू से ही सीखता है, और वो सीखने के संबंधित हर पक्ष को समझने की कोशिश करता है। यानी कि सीखने की प्रक्रिया में जितनी भी चीजें आती है, उस सब पक्ष को समझने की कोशिश करता है, और जितनी भी परिस्थितियों की पहलू होती है, यानी कि विभिन्न पहलुओं जो होती है परिस्थिति की, उसको नए ढंग से प्रत्यक्ष करना, यानी कि परसेप्शन करना, और उसको संगठित करना, और उसको प्रयत्न करना, यानी कोशिश करके सीखना, इसी को क्या बोलते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी बोलते हैं। अब इसको समझिए, इसका जो थ्योरी है, ये थ्योरी किस तरीके से दिया गया है, इसमें किन किन चीजों को बात की गई है। आपको पता होगा कि ये जो थ्योरी है, यहां पर मैंने हेडिंग डाला है एक्सपेरिमेंट ऑफ इनसाइट थ्योरी, ठीक है, इनसाइट लर्निंग थ्योरी, यानी कि अंतर्दृष्टि सीखने के सिद्धांत का प्रयोग, है ना। यहां पर देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट, इसमें एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हुआ, किन किन चीजों में इसमें बात किया गया, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ये जो थ्योरी है, सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी किनके नाम से जानी जाती है, कोहलर के नाम से जानी जाती है इस थ्योरी को। ज्यादा इन्होंने इस पर डिस्कस किया। यहां पर क्या क्या आएगा आपका, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं कि इस इनसाइट थ्योरी में कैसे कैसे चीजों को इंक्लूड किया गया था, क्या क्या चीजें डिस्कस की गई थी, और किस किस एनिमल्स पे रिसर्च किया गया था। देखिए, यहां पर ये जो थ्योरी है, पूरा का पूरा मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है आपको। इस थ्योरी में आपके 3-4 नाम आते हैं। एक जो होगा आपका साइकोलॉजिस्ट, वो होगा कोहलर, ने ये थ्योरी क्या कहते हैं रिसर्च किया, और किस पर रिसर्च किया, एक जो एनिमल था उसको क्या बोलते हैं, चिंपैंजी,
ठीक है ना, जिसे वनमानुष बोलते हैं हिंदी, वो वनमानुष होता है, तो उस चैंपेंजी पर किया और उस चैंपेंजी का एक नाम दिया, यानी कि सुल्तान उस चैंपेंजी को कहा जाता था। ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जिस कॉलर ने जिस एनिमल पे रिसर्च किया था उसको क्या नाम दिया था, तो सुल्तान बोलते हैं उस चैंपेंजी को। यहां पर क्या क्या चीजें यूज किया गया था, बॉक्स का यूज किया गया था और किसका यूज किया गया था, स्टिक का यूज किया गया था। तो इन सारी चीजों को अभी मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है, आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखिए ये है आपका पूरा का पूरा रिसर्च सेंटर, यहां पर आप देख सकते हैं ये है आपका पूरा का पूरा रिसर्च सेंटर। क्या होता है इसकी स्टोरी समझ लीजिए। देखिए ये जो है साइकोलॉजिस्ट जो है, ये जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या किया, एक रिसर्च सेंटर बनाया बहुत बड़ा, ठीक है ना। अब वो उसमें सीखने का जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से होता है उसको रिसर्च कर रहे थे। उसमें कुछ एनिमल्स को, कुछ चैंपेंजीज को अंदर डाल दिया, और अंदर डाल करके वो चैंपेंजीज थे जो जिनको दो से तीन चार दिन तक कुछ खाने के लिए नहीं दिया, उनको अंदर डाल दिया। अंदर डालने के बाद में उन्होंने क्या किया कि चैंपेंजीज को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है, बनाना पसंद होता है, बनाना यानी कि केले पसंद होता है, तो उसको केले को क्या किया उन्होंने उसमें क्या कहते छत्ता पे उसको क्या है लटका दिया, हैंगिंग कर दिया। अब जो है चैंपेंजी इतना दूर लटका दिया कि वो उछल के भी उसको नहीं ले सकता है, ठीक है ना। अब क्या किया कि उसी सेंटर में ये छोटे-छोटे बॉक्सेस रख दिए, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ है, ये चैंपेंजी है आपका, प्लीज इसमें कोई कमेंट नहीं करना, क्योंकि ये मत कहना कि सर ऐसा चिंपैंजी कहाँ किस देश में होता है। मानता हूँ कि ये नहीं अच्छा बनाया है, ठीक है, बट मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे मेरे समझ जाए अच्छे तरीके से। ये चिंपैंजी है, ये बनाना है, ये ऊपर में लटकता हुआ, ये कोई स्टिक है तीन चार पड़ी हुई, ये बॉक्सेज है पड़े हुए, ठीक है। अब चिंपैंजी क्या करता है, उसको भूख लगती है बहुत बुरी तरीके से, बनाना को क्या करता है फिर वो ढूंढने की कोशिश करता है कुछ खाने के लिए है क्या। जब वो देखता है कि अरे ऊपर बनाना है खाने के लिए, तो वो क्या करता है बहुत जोर जोर से उछल के उसको लेने की कोशिश करता है, बहुत देर तक उछलता रहता है, थक जाता है बिल्कुल नहीं हो पाता है, ट्रायल इरर फेल ट्रायल न्यू ट्रायल ये सब होते रहता है। फिर उसके बाद में क्या करता है चिंपैंजी जाकर के बैठ जाता है चुपचाप से, और बैठने के बाद में ना जब वो देखता है कि यार मुझे तो भूख लगी है, मुझे तो चाहिए, बैठने के बाद में वो दिमाग लगाता है कि मैं कैसे पहुंच सकता हूं, मेरा हाथ कितना दूर रह रहा है वहां तक पहुंचने में। तब वो सोचता है कि अरे यहां मेरे जो साइड में बॉक्सेस रखे हुए हैं, ये देख सकते हो आप यहां पे मेरे साइड में बॉक्सेस रखे हुए हैं, वो एक बॉक्स को लेता है, बॉक्स के ऊपर से छलांग मारता है, तो देखता है अरे थोड़ा सा तो पहुंचा था मैं, फिर भी नहीं पहुंच पाया। दूसरे बॉक्स को रखता है, फिर से छलांग मारता है, फिर नहीं पहुंचता। तीसरे बॉक्स को बॉक्स रखते जाता है, फिर भी नहीं पहुंचता, सारे बॉक्स खत्म हो जाते हैं, फिर से वो बैठ जाता है, भूख लगी हुई है। अब वो सोचता है कि मैं पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूं, फिर दोबारा से सोचता है अरे कुछ स्टिक्स रखे हुए हैं, कुछ छड़ी रखी हुई है, तो वो एक छड़ी लेता है, फिर नहीं पहुंचता, दूसरी छड़ी उसमें जोड़ता है, जुड़ जाता है वो उसी तरह से रखा जाता है कि वो जुड़ जाता है, फिर नहीं पहुंचता, फिर दूसरी छड़ी लेता है, तीसरी छड़ी लेता है, चौथी, इस तरह से करते करते जो चिंपैंजी है अपना जो लक्ष्य है उसको पा लेता है। तो ये कहने का इनका क्या मतलब है कि ये इसीलिए मानते हैं कि किसी का समस्या जो समाधान होता है ना, वो अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट के थ्रू से, सोच के थ्रू से सीखा जाता है, और वो नए नए ढंग से क्या करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है उस, यानी कि परसेप्शन करता है, और उस परसेप्शन को एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करता है ना, फिर ऑर्गेनाइज करके उसको प्रयत्न करता है, कोशिश करके उसको पाने की कोशिश करता है। तो आपने देखा ये किस तरीके से यहां पर रिसर्च हुआ, किस किस तरीके से उन्होंने अपनी लर्निंग को पाया। अब ये समझो कि इसमें क्या कहते हैं, कुछ स्टेजेस अप्लाई किए गए, क्या किया गया, पहला तो उसको भूख लगी तो उसने सर्वे किया कहां पर मेरा खाना है, उसके बाद उसको हेजिटेशन हुई कि मैं पहुंच कैसे सकता हूं, वो डरा थोड़ा सा कि मैं किस तरीके से यहां तक पहुंच सकता हूं, उसके बाद उसने क्या किया, ट्रायल किया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ट्राई किया, फेल हो गया, फिर न्यू ट्राई किया, फिर फेल हो गया, फिर न्यू ट्राई किया, इस तरीके से उन्होंने लर्निंग कर लिया। तो इनका यही तो कहना है, ये यही तो मानते हैं कि बच्चा जब किसी भी चीज को सीखता है तो वो सीखने से संबंधित हर पक्ष को समझता है, जैसे ये चिंपैंजी समझ रहा था ना सीखने से संबंधित हर पक्ष को ढूंढ के समझ के, यानी कि इन्होंने ये कहा है कि हॉल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आपको कोई चीज जब सीखना होता है तो आप पूरे परिस्थिति को, सिचुएशन को समझने के बाद में फिर उस परिस्थिति को संगठित करते हो, फिर उसके बाद में आप उसको सीखते हो। तो कहने का मतलब है कि ये एन ऑर्गेनाइज्ड हॉल है, यानी कि ये पार्ट में नहीं सीखता है बल्कि किसी भी चीज को उसके हॉल, सिचुएशन, उसका जो परिस्थिति है, हर चीजों को अप्लाई करके बच्चा किसी भी चीज को सीखता है। समझ में आया इसकी थ्योरी क्या है। अब यह समझते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है, कौन कौन प्रिंसिपल्स पे ये बात करता है। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग देखेंगे, यानी कि सीखने के सिद्धांत। इनका जो पहला प्रिंसिपल है, पहला प्रिंसिपल कहता है ऑर्गेनाइजेशन संगठन का सिद्धांत। ऑर्गेनाइजेशन संगठन का सिद्धांत, यानी कि यहां पर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप क्या करेंगे, यहां पर संगठन बना लेंगे। जैसे कि आप किसी चीज को पढ़ाने के लिए जाते हैं, आप एक टीचर है पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या करें, आप एक योजना बना लें, इस तरीके से पढ़ाना है, पढ़ाने में जैसे बोर्ड का यूज करना है,
उसके बाद जो अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो भूगोल ला करके यहां पर भूगोल बनाना है, उसके बाद अगर मैं कोई क्या कहते हैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं तो मुझे चार्ट पेपर लेकर के आना है। तो ये सारी चीजें जो पूरी जो परिस्थिति लेकर के आप सिखा रहे हो बच्चों को, दिस इज द इनसाइड लर्निंग थ्योरी, यानी कि पूरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब आप किसी चीज को सिखाते हो, दिस इज द इनसाइड लर्निंग थ्योरी। उसके बाद होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियरनेस, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी नियरनेस यानी कि निकटता का सिद्धांत, निकटता का सिद्धांत यानी कि नियरनेस का सिद्धांत प्रॉक्सिमिटी। नियरनेस का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर आप सिखाते हो बच्चों को, कोई समस्या समाधान कराते हो तो आप उसके पास लेकर के जाओ उस चीज को, यानी कि नियरनेस लेकर के, नियरनेस लेकर के जाओ यानी कि उसके पास लेकर के जाओ, तभी वो पूरी परिस्थिति को समझ सकता है। सपोज दैट आपको अगर सिखाना है कि ताजमहल किस तरीके से है, उसमें क्या क्या खूबसूरती है, उसको किसकी यादों में बनाया गया है, क्या क्या वजह है उसको बनाने का, कैसी कैसी उसमें चमक है, वो सारी चीजें अगर आप खड़े होकर के समझाओगे तो नहीं समझेगा। आप उस बच्चे को वहां पर लेकर के जाओ और लेकर के पूरी परिस्थिति उसको दिखाओ समझाओ, तब जाकर के जो वो सीखेगा, दिस इज द इनसाइड लर्निंग थ्योरी, ठीक है ना। यानी कि कोई भी चीज पूरी परिस्थिति में, पार्ट में नहीं, हॉल परिस्थिति यानी कि पूरी समस्या से संबंधित करके संगठन करके उस चीज को सिखाओ तो बच्चा वो पूरी तरीके से लाइफ टाइम तक सीखेगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट होता है आपका प्रिंसिपल सिमिलैरिटी यानी कि सामान्यता का सिद्धांत। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि एक चीज जब आप सिखाओगे तो उसको दूसरी चीज से कोरिलेट करके सिखाओ। जिस तरीके से यहां पर चिंपैंजी करता था, क्या करता था, सिमिलैरिटी चीजों को देख रहा था कि मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या सिमिलैरिटी एक दूसरे के साथ में मिला करके सिखा ले सकता हूं, अपने लक्ष्य को पा सकता हूं। तो सिमिलैरिटी का मतलब है कि यहां पर जो है डंडा पड़ा हुआ था तो डंडे से डंडा जोड़ने की उसने कोशिश किया, डंडे से बॉक्स को जोड़ने की कोशिश नहीं किया। तो ये मतलब है इसका कि सिमिलैरिटी जब आप उसको क्या कहते हैं प्रोवाइड कराओगे बच्चे को, तो बच्चा उस सिमिलैरिटी को भी मिला करके बहुत अच्छे से समझ पाएगा, सीख पाएगा। तो आई होप कि ये थ्योरी भी आपको समझ में आया होगा। ये तीनों थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसाइड थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, और उसके बाद में होता है आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी। हमेशा से पूरी लाइफ में, पूरा जो टीचिंग लाइफ होता है आपका, पूरी लाइफ में ये आपकी जरूरत पड़ती है। किसी तरह की क्वेरीज होगी तो जरूर लिखिएगा। और मैं एक बात बता देता हूं आपका, आपका जो सिलेबस में जो लिखा हुआ है करंट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव, करंट थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग, तो उसका मतलब होता है, करंट थ्योरी तो दी नहीं गई है, उसका मतलब ये होता है, उसका मतलब होता है कि इसका जो एजुकेशनल इंप्लीकेशन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। ये थ्योरी आपको समझ में आया है कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।